भाई की आदत से मिले थे, और कल ही हम जिनाबे पीर पगारा शरीफ साहब की रायशगाह पे हाजिर हुए थे, और वहां भी काफी देर मुस्तकबिल की हिकमत अमली के बारे में, इंतखाबी लायामल के बारे में बातचीत हुई, उनकी साइड से भी गुफ्तगू हुई और हमारी साइड से भी हुई, और ये इत्तफाक हुआ कि ये बातचीत मुस्बत अंदाज में आगे बढ़ेगी, जिसका इजहार फिर पीर साहब की रायशगाह के बाहर मीडिया की मौजूदगी में दोनों साइड्स ने कर भी दिया। आज हम इंशाल्लाह 4-4:30 बजे बादराबाद जाएंगे, और एमकेएम के साथ जो बातचीत हुई थी लाहौर में उसको आगे बढ़ाएंगे, और उसका जो बुनियादी नुक्ता है वो मैं आपको बता देता हूँ, वो होगा कि अल्लाह पाक ने अगर मौका दिया और हुकूमत बनी हमारी इश्तराक अमल से, तो क्या कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल रिफॉर्म्स की जाएंगी, खास तौर पे जिनका ताल्लुक कराची की तामीर और तरक्की और उसके अपग्रेडेशन के साथ है, क्योंकि ये एक रियलिटी है कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर बदकिस्मती से, जिसकी भी अदम तवज्जुगी है, मैं उसकी तरफ उसका नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन खंडर बना है, तो दहाइयों में इस पर तवज्जो नहीं दी गई, और जो एशिया का मॉडल रोल मॉडल शहर होना चाहिए था, वो जो उसका हाल है आप लोग उसको खुद से भुगत रहे हैं। तो कराची के बारे में बात भी करेंगे, बल्दियाती निज़ाम, मुकामी हुकूमतों के निज़ाम को कैसे आइंदा मौसर बनाया जाएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान के फ्यूचर के लिए, इसका इतलाक सिर्फ सिंध पर नहीं होगा, पूरे मुल्क पर होगा, और इसी तरह जो फाइनेंशियल अवार्ड होते हैं उस पर भी बात होगी कि जो प्रोवेंशियल फाइनेंशियल अवार्ड है उसको मौसर कैसे किया जाएगा, ताकि वसाइल की तकसीम विद इन प्रोविंस भी हो, और दूसरी बहुत सारी बातें हम करेंगे इंशाल्लाह ताला। तो बुनियादी जो फोकस है वो ये है कि एक इंतखाबी इश्तराक अमल भी हो, और सीटों की बात से पहले मुस्तकबिल के पाकिस्तान का नक्शा जो है वो हम एक बनाए आपस में बैठ के, जो मिल के इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, ताकि 24 करोड़ पाकिस्तानियों के हकूक का तहफ्फुज़ किया जा सके, और जो माजी में गलतियां हुई हैं, क्योंकि गलतियां तो हुई हैं, सबों से हुई हैं, हमसे भी हुई हैं, वो उनका यादा ना हो, या जो कमी रह गई है उस कमी को दूर किया जाए। तो आज हम अवैस नूरानी साहब की रायशगाह पर भी हाजिरी देंगे इंशाल्लाह ताला, वहाँ भी जाके बात करेंगे, कुछ इनफरादी रबते भी कर रहे हैं, तो ये सारा सिलसिला चल रहा है। रात को हम शजील मेमन साहब के साहबजादे की शादी पर भी शरीक हुए थे, अभी भी हम ब्रंच करके ताज़ा ताज़ा आपके पास आ रहे हैं अपने दोस्तों से मिलके, तो समाजी रबते भी जारी रहेंगे, सियासी रबते भी जारी रहेंगे, और हम ये समझते हैं कि जो समाजी ताल्लुक है उसको हमने टूटने नहीं देना, वो बंधन जो है उसे कायम रहना चाहिए, क्योंकि 8 के बाद 9 और 9 के बाद 10 फरवरी भी आनी है, तो जो माजरत के साथ जो पीटीआई ने पाकिस्तान की सियासत को गदला किया है कि एक दूसरे से बात करने के काबिल नहीं है पॉलिटिकल लोग, उस कल्चर की हम हमायत नहीं करते। हम बिल्कुल समझते हैं कि सियासी इख्तलाफ अपनी जगह रहे, सियासी कुव्वतें आपस में इलेक्शन भी लड़ें मगर बातचीत भी करें, ताकि मुस्तकबिल का जो नक्शा बनना है उसमें आईनी तरमीम है या कानूनी इस्लाहात है या जुडिशियल रिफॉर्म्स है, आने वाली पार्लियामेंट उस पर यकज़बान हो। सो एक ऐसा माहौल होना चाहिए 8 फरवरी के इंतखाबात का जो सबों के लिए काबिल कबूल हो, और जिसमें हम बातचीत भी एक दूसरे के साथ करते रहें और गुरेज करें। तो ये बुनियादी बातें हैं जिसपे हमारी इस सारी जो हम आए हैं इसका एक दारोमदार है। मैं बिला तहीर अपने भाई और हमारे एक्स स्पीकर और मरकजी लीडर PMLN के अयाज सादिक साहब से भी सदा करूंगा कि वो अपने ख्यालात का इजहार फरमाएं, उसके बाद फिर हम आपसे क्वेश्चन लेंगे। शुक्रिया जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो हमारा ये सियासी अमल का ये जो सियासी अमल का जो विजिट है, ये विजिट सारी जमातों के साथ एक अच्छी रिलेशनशिप जो रही है माजी में भी और जो रखना भी चाहते हैं उसका एक हिस्सा है, अपनी जमात को मुनज़्ज़म करने का। और जिस तरह साद साहब ने अभी फरमाया कि हम उन जमातों से भी मिलेंगे जहां हमारा सियासी इत्तेहाद भी हो सकता है, मगर
इत्तेहाद लूज इत्तेहाद नहीं, कुछ मकासद अचीव करने के लिए जो पाकिस्तान